हेलो गाइस, आज मैं सॉफ्ट क्रिस्टल के बारे में थोड़ा सा लेकर आई हूँ। और ये कैमल ब्रांड का है, इसमें 36 शेड्स अवेलेबल हैं। और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 345 रुपीज़। ये रहा, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये बनाने के लिए ड्राइंग वगैरह, लैंडस्केप वगैरह, या फिर आप इससे स्केचेस भी बना सकते हैं। तो कुछ अंदर से इस तरीके का दिखता है ये। इसमें मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप चिपका रखी है। इसको मैंने इसीलिए चिपका रखी है क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो चॉक टाइप का टेक्सचर है। आप देख सकते हैं ये हाथ पे भी चल जाता है बहुत आराम से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप चिपका दी ताकि मेरे हाथ भी चॉक चॉक में ना हो इसको यूज़ करते हुए। ऑयल पेस्टल से अलग होते हैं ये, इसका थोड़ा सा टेक्सचर चॉकी टाइप होता है। और इसको अब हम यूज़ करके देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे पेपर पे कैसे चलते हैं, कैसे लग रहे हैं पेपर पर यूज़ करके। अगर मैं ले लेती हूँ एक ये रेड और येलो, तो अगर हम येलो को करते हैं इस तरह से और उसके बाद रेड को करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप एक के ऊपर एक भी है, बहुत आराम से हो रहा है। और अगर रेड के ऊपर येलो करें तो ये भी बहुत आराम से हो रहा है और ये मिक्स भी बहुत अच्छे से हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत आराम से मिक्स हो रहा है ये। और इसका शेड बहुत अच्छा आ रहा है, ऑयल पेस्टल से अलग है ये, थोड़ा सा चौकी इफेक्ट रहता है, बट ये बहुत सही है। इसको हम थोड़ा सा, आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है इसका इफेक्ट। इसकी चौक को हम थोड़ा सा फेंक देंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। इसको हम ब्लेंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड करके देखते हैं हम टिश्यू पेपर से कि कैसा लग रहा है यहाँ पे ब्लेंड करके, टिश्यू पेपर को यूज़ करके। तो ये ब्लेंड होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, थोड़ा सा इसका लाइट हो जाता है ब्लेंड होने के बाद ये, क्योंकि सारा जो भी है वो टिश्यू पेपर पे आ जाता है। तो आप हाथ से भी ब्लेंड अगर करके देखते हैं इसको कि कैसा इफेक्ट आ रहा है हाथ से ब्लेंड करके अपनी फिंगर से, तो पता चलेगा कि क्या फर्क है। हाथ से काफी अच्छा ब्लेंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये टिश्यू पेपर से ब्लेंड हुआ है तो ये सारा काफी सारा टिश्यू पेपर पे चिपक गया आके ये वाला कलर, तो पर काफी अच्छा टेक्सचर है इस कलर का और डिफरेंट टेक्सचर है बाकी सारे कलर्स का। जितने भी अगर ऑयल है, जैसे हम बचपन से ऑयल कलर यूज़ करते हैं, ऑयल पेस्टल से यूज़ करते हैं, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है ये। एक बार ब्लू का यूज़ करके देखते हैं कि ब्लू का कैसा शेड आता है इसमें। तो इस तरीके से ये शेड आ रहा है और ये काफ़ी मिक्सअप हो जाता है कलर, काफ़ी चौकी इफेक्ट है इसका, एकदम मिक्सअप हो जाता है ये, पर ये काफ़ी अच्छा है। एक बार एक कलर और ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सही मिक्सअप हो रहा है ये। तो ये ब्लू ग्रीन भी काफ़ी सही तरीके से मिक्सअप हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये और मतलब अलग अलग कलर्स जो हैं या फिर कोई एक जैसे नहीं है तो वो मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, काफ़ी सही इफेक्ट दे रहे हैं कलर्स।
एक तरीके से ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है, ये सी ग्रीन टाइप बन जाता है। आप बाकी कलर भी मिला सकते हैं, जैसे काफी, तो ये काफी कलर एक जैसे हैं ये वाले, इतना पता नहीं चल रहा है। इस पे हम ये वाला कलर अगर मिलाते हैं तो पता चल रहा है यहाँ पे, और ये एकदम मिक्सअप भी हो गया है। तो ये ब्लेंड काफी अच्छे से हो रहा है कलर ये वाला। अगर यहाँ से देखें येलो और ग्रीन को मिलाकर, तो ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में, और ब्लेंड भी अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैंने फिंगर से ये ब्लेंड कर दिया यहाँ से, तो ये इफ़ेक्ट दोनों उसमें देगा। आप देख सकते हैं इसका चौक हटाकर, ये काफ़ी अच्छे से मतलब पेपर पर इफ़ेक्ट दे रहा है। ये मैंने टिश्यू पेपर से ब्लेंड करा था, बट ये थोड़ा सा लाइट हो गया है कलर। बुरा नहीं लग रहा, बट ये है कि लाइट हो गया है। फिंगर से काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है ये ब्लेंड होने के बाद। एक बार टिश्यू पेपर से और देख लेते हैं करके कि अच्छा इफेक्ट दे रहा है, कैसा इफेक्ट दे रहा है मतलब। काफी लाइट हो जाता है टिश्यू पेपर से करने के बाद ये कलर, हम देख सकते हैं इसका चौकी इफेक्ट है एकदम। तो आपको बार बार जो है साफ करना पड़ेगा इसके चौक को, या हटाना पड़ेगा। टिश्यू पेपर से करके काफी लाइट हो जाता है ये, फिंगर से करके काफी अच्छा इफेक्ट दे रहा है। फिंगर से हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं इसको, बट हाथ आपके थोड़े ऐसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बट काफी अच्छा कलर है। और इसमें ड्राइंग भी बनाई जा सकती है इससे, और स्केचेस भी बनाए जा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपनी आगे की ड्राइंग्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।